कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, ये आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका विश्वास ही है जो आपको हमारे साथ एक ऐसी डोर से बांधे हुए है कि ठीक 10 बजते ही आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए। लगातार फ़ोन मिलाना शुरू कर देते हैं कि आपका फ़ोन सबसे पहले लग जाए और आपकी सबसे पहले गुरुजी से बात हो जाए। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं गुरुजी से बात करने के लिए। इसलिए ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। तो सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, गुरुजी का स्वागत करते हैं, फिर हमारे दर्शक से बात करेंगे। जी हाँ, आइए मिलकर स्वागत करते हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का स्वागत है गुरुजी। जी जी नमस्कार। गुरुजी दर्शकों से बात करते हैं क्योंकि कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ दर्शकों का जुड़ना शुरू हो गया है, तो सीधे उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मनी जुड़े हैं अमृतसर से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। मनी जी बताएं किसके बारे में जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। जी आशीर्वाद बताएं। मैं अपने मामा जी के बारे में जानना चाहता हूं। आप अपनी मदर की डेट ऑफ बर्थ दीजिए। मामा जी। मामा जी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी जी। डेट ऑफ बर्थ उनकी? 12 जुलाई 12 जुलाई 1972 1972 जी। 3:20 AM 3:20 सुबह की। सुबह के 3:20 कहाँ का जन्म है? अमृतसर, पंजाब। ठीक है, नाम बताइए इनका। राकेश कुमार जी। राकेश नाम है इनके मामा जी का। ये राकेश जी की कुंडली बनी है? जी। हेलो जी, जी, जी बनी है, बनी है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि इसमें कर्क राशि हो रहा है। बहुत ही अच्छी कुंडली। अच्छी कुंडली इसलिए इनके लग्न में ही शुक्र शनि का एक युति बना हुआ है, हम जिसे कहते हैं राजयोग का होना। बहुत सुंदर राजयोग अर्थात लग्नेश और नौमेश दशमेश की युति बनी है इनके लग्न में ही। तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ बहुत टॉप का होता है, लेकिन समस्याएं भी उसी तरह से बिल्कुल टॉप का है। वो क्यों? कि इनके जो थर्ड हाउस हैं वहाँ पर चंद्र, मंगल, बुध, केतु बैठे हैं और सीधे राहु की सप्तम दृष्टि पर रखी है, पूर्ण दृष्टि। तो जिसके कारण से वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तम घर का मालिक जो होता है मंगल होता है, मंगल से इनके अंगारक योग बन गए हैं। जस्ट लग्न कुंडली के बगल में एक नौमांस कुंडली होता है जहाँ पर शनि केतु का बना हुआ है पाप पितृदोष और यहाँ पे बने हैं इनके केमद्रुम योग। केमद्रुम योग का मतलब दर्शकों चंद्रमा के आगे पीछे खाली होना। ऐसा नहीं कि लग्न में होने से होता है, व्यक्ति के जीवन जो 24 कुंडली होता है कहीं भी केमद्रुम योग बन जाता है उससे संबंधित उनके योग को ख़त्म कर देता। तो ये जो कुंडली बन रखी है इस कुंडली में ऐसे व्यक्ति का दो दो राजयोग बना हुआ है, इसके बावजूद भी इनको राजयोग का लाभ नहीं मिलने देगा और इनके लाइफ की स्टेबिलिटी को और साथ साथ इनकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेगा। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इनकी वैवाहिक जीवन कैसी है। वैवाहिक जीवन पहले तो ठीक था, लेकिन अब उनके जो बच्चे हैं ना, जो उनके मेरे जो उनके हैं, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि इनके बच्चों की तरफ से। जी, प्रॉब्लम इनको अपने साइड से भी हो जाएगा यदि उपाय नहीं करेंगे तो इनको अपने साइड से प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इनकी ज़िंदगी का सबसे टॉप टाइम जून 12 से चल रहा है। जून 12 से शुक्र में राहु का दशा स्टार्ट हुआ है, शुक्र में गुरु, और अभी जो समय है इनकी लाइफ का पीक टाइम। ऐसा टाइम कहा जाता है ना कि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है हर इंसान का जो क्लिकिंग टाइम हो जाता है, जो संभल जाते उस टाइम को पकड़ लेते हैं इंसान बन जाते, जो मिस कर जाते वो लाइफ को खो देते। तो इनकी ज़िंदगी का जो टॉप टाइम है शुक्र में शनि चल रहा है,
वो इनको लगभग 1.5 वर्षों से इनका जिंदगी का सुपर टाइम निकल रहा है। आप उपाय नहीं करेंगे तो ये जिंदगी में इस समय दोबारा मिल्क घूम के नहीं आएगा। जो दशा चक्र होता है वो 120 वर्ष के बाद फिर टर्न लेता है, जो कि 120 वर्ष आज के टाइम में व्यक्ति को जीना बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। तो इनकी कुंडली में बहुत टॉप टाइम जा रहा है और ये समय इनके 24 फरवरी तक टॉप का रहेगा। लेकिन जब तक इनके निवारण नहीं करेंगे तो इनको संतान पक्ष से नुकसान, इनके अपने करियर में नुकसान, बिजनेस करेंगे वहाँ भी प्रॉब्लम, जॉब करेंगे वहाँ भी प्रॉब्लम, जश नहीं मिलना, पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये सब सारी बातें इनकी लग रखी है। चूँकि इनके दशा बहुत टॉप जा रहे हैं, मैंने कई बार कहा है दर्शकों, यदि दशा बहुत अच्छा होता है तो कुंडली के जो कुछ खराब योग होते हैं ना वो भी थोड़ा शांत रहते हैं। जहाँ दशा खराब आता है ना तो वो योग जग जाते हैं। तो अभी इनके दशा बहुत टॉप जा रहा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही प्रत्यंतर दशा में निगेटिव फंसेगा इनको परेशान कर देगा। और एक बातें जो मुख्य हैं, इनको बोल देंगे कि किसी से उलझने के लिए नहीं, इनका अभी जो समय चल रहा है कोई केस मुकदमा चक्कर में इनको फंसाने का प्रयास करेगा और कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप कुंडली बनना बड़ी बात नहीं दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसे ज्योतिष से मिलें जहाँ की पूरी 24 कुंडली बनती हो। जब तक 24 कुंडली बनेगा नहीं आपको मालूम नहीं होगा। मैंने भी कहा है कि टॉप की कुंडली है, टॉप का दशा भी आ रहा है, फिर भी आपको फ़ोन करना पड़ा है, तो फ़ोन करने का मतलब ही हो जाता है कि कहीं ना कोई समस्या है। डॉक्टर के यहाँ वही जाता है ना जो बीमार होता है, तो उसी तरह से व्यक्ति जो समस्या होती है तभी वो ज्योतिष को संपर्क करते हैं। तो आप इस गोल्डन टाइम का लाभ लें, जो आपके मामा जी को पूरा पूरा लाभ मिले, अन्यथा इनकी करियर को, संतान सुख को, साथ साथ धीरे धीरे इनकी वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। और जीवन का टॉप टाइम निकल रहा है, इसे पकड़ना चाहिए मेरे नज़रों में। क्या आप सहमत हैं गुरु जी की बातों से? मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गुरु जी से। जी बोलिए। इनका ना अभी कब्जा बहुत चढ़ा हुआ है और इनकी सेहत भी बहुत खराब चल रही है, दोनों चीजें चल। सर जी आपको इसके लिए मिलना पड़ेगा, बिना मिले नहीं होगा। फोन पर ना तो ज्योतिषी हो सकती है, ना तो डॉक्टर हो सकता है, ना तो वकालत हो सकता है। हम 2 मिनट के अंतराल में आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब इनकी कुंडली जो स्थिति बन रखा है, लग्न में शुक्र शनि का युति बना हुआ है, लग्न में शुक्र अपने ही घर में है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। तो हो सकता है कि इनके टाइम में कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन हो। तो इनके लग्न जो है 28 डिग्री के आसपास में है, तो यदि इनका टाइम में डिफरेंस हो गया 8-10 मिनट का तो पूरी कुंडली बदल जाएगी और इस कारण से आपको सही गणना नहीं मिल पाएगा। तो हमें लग रहा है कि इनका जन्म जो है हॉस्पिटल का नहीं, घर का है। इनका जन्म कहाँ का है पता है आपको? मेरे हिसाब से घर का ही है। घर का ही है, मैंने पहले ही कह दिया ना आपको, इनका जन्म घर का है। और घर के जन्म में 2-5 मिनट आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक अच्छे ज्योतिष से मामा जी को मिलने बोलिए, अपना हस्तरेखा भी दिखाएं, क्योंकि अभी जो इनका समय चल रखा है वो कहीं से ना तो स्वास्थ्य प्रभावित होना चाहिए, न तो इनको लोन होना चाहिए। ये कुंडली लोन का है ही नहीं, कहीं से भी लोन का कुंडली नहीं है। और जैसे ही कुंडली बन जाएगी मिथुन लग्न के, तो ऐसे व्यक्ति हेल्थ में प्रॉब्लम देगा और लोन में फंसे रहेंगे, पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। तो इस परिस्थिति में इनको मिलना बहुत जरूरी है और इनको हस्तरेखा भी दिखाना है। और कोशिश करेंगे कि जिस ज्योतिष से भी मिले, जहाँ भी, एक शब्द मामा जी बोलेंगे नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अच्छे ज्योतिष खुद बताएंगे। ज्योतिष के पास प्रश्न करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, ज्योतिष की पढ़ाई इसीलिए होता है, वो खुद बता दे कि कहाँ क्या समस्या हो रखा है। लेकिन जब तक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सही नहीं होगा इलाज सही नहीं होगा। उसी तरह से जब तक टाइम सही नहीं होगा सही कुंडली नहीं बनेगी और कोई भी ज्योतिष क्यों ना हो न सही आपको बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभिषेक हैं मुंबई से, उनसे बात करेंगे। स्वागत है अभिषेक जी। जय माता दी। जय माता दी। अभिषेक जी बताएं किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं हमारे मेरे बारे में पूछना चाहता हूं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए हमें। 1st May 1992। समय बताएं। शाम के 6:27। 6:27 शाम के। कहाँ का जन्म है? जन्म है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई का ही जन्म है, ठीक है। फोन लाइन पर जरूर हमारे साथ रहिएगा। अभिषेक इनका नाम है गुरु जी, मुंबई का ही इनका जन्म है। अभिषेक जी कुंडली बनी है? हाँ जी बनवाई थी जी। तुला लग्न की कुंडली है और आपकी राशि मेष राशि हो रखे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती ज्योतिषी में जो बिल्कुल फुली टूथली होता है और वो लगभग 90% लोगों के जीवन में मिलता है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि जिस व्यक्ति का जन्म शाम का होता है तो वैसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। वो क्या होता? जब शाम का जन्म होता है तो सूर्य चले आते हैं सप्तम घर में, और सूर्य क्या है? सन इज़ द फायर एलिमेंट है। आप देखते हैं जेठ आषाढ़ का, जून जुलाई के महीने में
पूरा सिर जाने लगता है। तो जब शाम का जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करता है। आपका जन्म भी जो है अमावस्या के आसपास का हो रखा है, तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में भाग्य का मालिक बुध जो कि नीच का होकर के मंगल के साथ बैठा हुआ छठे घर में। तो ऐसे बच्चे मेहनत करते 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का, राहु भी नीच का, केतु भी नीच का, लेकिन सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, शनि अपने घर में है, जिसके कारण से आपको गवर्नमेंट जॉब की पूरी संभावना बना रखा है। आप प्रयास करेंगे तो 99% गवर्नमेंट जॉब देगा। लेकिन आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली में आपके पास यदि हो तो आप नौमास कुंडली और दशमास की ओर जाएंगे। नौमास कुंडली के सप्तम घर से बन रखा है पाप कर्तरी योग और सप्तम घर में मंगल नीच का बैठा हुआ है। तो किसी भी घर में कोई व्यक्ति नीच का हो जाए तो घर खराब हो जाएगा। कोई घर का मालिक नीच कर्म करने लगे घर कैसा होगा, बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। उसी तरह से किसी भी कुंडली में जब किसी भी घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाता उसके सुख को क्षति कर देता, अर्थात इन आपके विवाह को और वैवाहिक जीवन को, ये दोनों को बर्बाद कर रखा है। क्योंकि सप्तम घर में मंगल नीच का भी है और पाप कर्तरी योग भी बन रखा है, और आपके दशमास कुंडली में, नवमास के आगे दशमास होता है, दशमास कुंडली में पुण्य बन रखा है केमदम योग। एक और जहाँ शशांक योग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है, चक्रवर्ती राजयोग बना हुआ है, सूर्य ऊंच का बैठा हुआ है जो 99% गवर्नमेंट जॉब की संभावना व्यक्त कर रहा है, तो दूसरी ओर केंद्रम योग और पाप कर्तरी योग आपके करियर को और मैरिज को, दोनों को डिटर्जेंट वाश से धो देगा यदि आपने उपाय नहीं किया तो। दूसरी बात, थोड़ा हम आगे चलते हैं कि आखिर दशा क्या जा रहा है। तो तुला लग्न की कुंडली में आपके दशा चल रखे हैं अभी वर्तमान सूर्य में राहु का, तो आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नवंबर 17 से आप डिस्टर्ब हो। नवंबर 17, नवंबर 18, ये नवंबर आ जाएगा तो 19, अर्थात लगभग पौने दो वर्ष से निगेटिव में जा रहे हैं आप, और ये परिस्थितियाँ आपको अगस्त 2021 तक रहेगा यदि आपने उपाय नहीं किया तो। समय रहते एक अच्छे ज्योतिष से मिले, जहाँ पे समस्या है तो समाधान भी है। आवश्यकता है आपको एक अच्छे ज्योतिष से संपर्क करने का और अपने समस्याओं को समाधान करवाने का। क्या आप सहमत हैं अभिषेक जी? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब होने की चांसेस है फिलहाल 2000। क्या भैया क्या पूछ रहे हो आप? आपको क्या, या तो मेरी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं या आपने ध्यान नहीं दे रखा है? सर जी, ये सिंगल कार्यक्रम है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। मैंने तो 2-3 बार रिपीट किया है कि दिस हरस को भी द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। कहाँ ध्यान है आपका? अब फिर आप प्रश्न कर रहे हो? मैं तो कई बार कहा है आपको, हमारे बहुत सारे दर्शक सुन रहे होंगे कि मैंने कहा सूर्य ऊंच का बैठा हुआ है, शनि अपने घर में है, 99% गवर्नमेंट जॉब का कुंडली है। उपाय नहीं करोगे तो चपरासी तो क्या प्राइवेट जॉब भी आपको नहीं लगने देगा, क्योंकि बन रखा है केंद्रम जॉब और करियर मैरिज दोनों को डिटर्जेंट वाश से धो देगा। मैंने ऐसे कहा है आपको, आपने सुना नहीं? जब कार्यक्रम को देखते हैं दर्शकों तो अच्छे से सुनने का, समझने का भी प्रयास करें। यहाँ पर समस्या बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता है, जो आपके मन की बातें मैं बता दूं, ज्योतिष बता दे, वही तो ज्योतिष है। तो अभिषेक जी देखिए, सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन उपाय आपको अपनाने होंगे, तभी बाधाएं दूर होंगे और सरकारी नौकरी के आपके जो योग हैं वो सफल होंगे, पूर्ण होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बात करेंगे। मंजुला हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। स्वागत है मंजुला जी, नमस्कार, जय माता दी। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, बताए मंजुला जी। जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूं। उनका नाम और जन्म की तिथि दीजिए। उदय सिंह। हाँ जी। 21/2/1971। 21/2/1971 टाइम बताएं। टाइम है 2:25 रात का, प्रयागराज। ठीक है, रात के 2:25 प्रयागराज का इनका जन्म है। मंजुला बात करें, अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। क्या नाम है हस्बैंड का? उदय सिंह। उदय जी, उदय जी की कुंडली बनी है? जी जी, धनु लग्न की कुंडली और राशि भी धनु राशि। अभी जन्म कुंडली है पास में आपके? जी नहीं पंडित जी। जी नहीं है। मैं फिर कहूँ दर्शकों से कि जब भी हमें फोन करें और जिनके पास जन्म कुंडली हो तो अपने पास में रखे खोल के तब समझ में आएगा। जी जी। इनकी लग्न कुंडली जो है धनु लग्न की है और थर्ड हाउस में सूर्य राहु का बना हुआ है ग्रहण योग। धनु लग्न की कुंडली में भाग्य का मालिक हो जाता सूर्य, और सूर्य बैठ गया राहु के साथ तो ग्रहण लग गया, अर्थात ऐसे व्यक्ति के भाग्य में ग्रहण लगा देता। लोग कहते कि कर्म बहुत प्रबल होता है, कर्म करके हम हर कुछ कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कर्म के बिना भाग्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि यदि आप कर्म करते रहे और भाग्य साथ नहीं दिया,
ग्रह सपोर्ट नहीं किया तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अपने जीवन में एक नहीं ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण देखा है। हमें अच्छी तरह से याद है हमारे झारखंड में एक जगह है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में फुसरो, वहाँ पर एक बहुत अच्छे नेता हुए करते थे कांग्रेस पार्टी का, स्वर्गीय मुरारी पांडे, पूरी जिंदगी निकाल दी उन्होंने। उनके यहाँ इंदिरा गांधी राजीव गांधी खाना खाए हुए थे और वो मुखिया तक नहीं बन पाए। जब उनका देहांत हो गया तो उन्हीं के पुत्र रविंद्र पांडे जी ने क्या किया, झंडा उतारा, बीजेपी से टिकट लिया और 96 में सीधे मंत्री बन गए, जिन्होंने कभी माइक नहीं पकड़ा था। कहाँ गया उनका मेहनत, दैट इज अ स्टार। तो आपके जो पति की कुंडली है इनके भाग्य में ग्रहण लग रखा है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करेंगे 18 घंटे का तो उनको फल मिलेगा 1 घंटे का। लक सपोर्ट नहीं कर रहा है। सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लानेट, सारे ग्रहों को राजा सूर्य होता है, सूर्य ही डैमेज हो रखा है इनका। और लग्न के जस्ट बगल में इनके बन रखे हैं नवास कुंडली, नवास कुंडली में चंद्रमा से पूर्ण केमद्रुम योग और सप्तम घर में गुरु राहु का बना है चंडाल योग। तो कहीं ना कहीं अब लाख छुपाने का प्रयास करेंगे। मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि आपके पति पत्नी के संबंध में भी खराब करने का प्रयास कर रहा है। तो परिस्थिति क्या निकला, भाग्य का साथ नहीं देना, कुछ भी करें लक फेवर नहीं करेगा और वैवाहिक जीवन में भी कठोरता लाने का पूरा प्रयास करेगा यदि समय सही है तो, और यदि समय ही गलत होगा तो फिर मेरी एक बातें भी आपको नहीं मिलेगी। पंचम घर में शनि नीच का बैठा हुआ है तो संतान सार से परेशानी, संतान हो गए तो संतान की करियर को लेकर चिंता लगा रहना। दूसरी बात कि इनके जो कुंडली बन रखे हैं इसमें इनकी हम देख रहे हैं तो 2016 से ही समय डिस्टर्ब जा रहा है, 2016 से लेकर के 2025 के अक्टूबर तक समय इनका खराब है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें और मैं फिर विश्वास के साथ कहूँगा कि जो भी दर्शक किसी भी ज्योतिष से मिलते हों तो मेरी बात को ध्यान रखें कि आपको एक शब्द नहीं बोलना है। आप ये देखेंगे कि आपकी कुंडली को देख करके वो ज्योतिष महोदय इनके प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं कि नहीं। विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को रीड कर ले रहा है, बता दे रहा है, वो ठीक भी कर देगा, बस आवश्यकता आपको निवारण कराने की। मैं अधिकतर देखता हमारे रोज लाइव कार्यक्रम होते हैं, लोग फ़ोन से बात भी करते, सुबह में 9 से 10 में बात करता हूँ, 1 घंटा में मैं कम से कम 15 कॉल लेता हूँ, रोज लोग बात करते, लेकिन वो बात करके संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं कभी लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप मिलोगे नहीं, उपाय नहीं करोगे, कैसे लाभ मिलेगा आपको। तो आप आगे बढ़ें और इसका निवारण करवाएं, निवारण करवाएंगे लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष का तो एक नाम होता है क्रिस बनता है। क्या आप सहमत हैं? उम्मीद है आप सहमत ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है सुबह 9 से 10 के बीच में आप बात कर लीजिएगा, नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों आप भी अगर गुरुजी से बात करना चाहते हैं सुबह 9 से 10 के बीच में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारे विशेष कार्यक्रम एक बार फिर से देख सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा बदलती किस्मत, और इसी तरह से अगले अंक में भी हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।